वह भाई साहब रश देखो कितना हुआ पड़ा है। दुकानों के बाहर भीड़ अभी से ही बहुत बेहिसाब भीड़ हुई पड़ी है। देखिए यहाँ हमारी पतंगे देखिए पैक हो चुकी हैं सारी। तो अपने काफी सारी पतंगे ले ली हैं, अद्दी, मंजोली, पोनी, तावा। गाइस तो आज हम शॉपिंग करने आए थे मेन रोड पे, ठीक है ना। आपको बताइए कौन सा रोड है, कमेंट में बताइए। आप क्यूआर में बताऊंगा नहीं ये कौन सा रोड था हम आए हैं शॉपिंग करने, ठीक है। आप समझदार हो गए तो समझता हूँ कहाँ आए हैं। तो देखिए गाइस हम पतंगे वतंगे देंगे और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ जो है ना ये चाचा पतंगे हमारी पैक कर रहे थे। तो गाइज हमने कम से कम ये पतंगे हमने 60 पतंगे ली थी, ठीक है। तो मैं आपको रेट बताता हूँ। तो ये सिंगल पतंग इन्होंने 5 रुपये की दे रहे थे हमें, तो हमें सैकड़ा में इन्होंने दे रहे थे ये 4.5 रुपये की। तो मैंने कहा भाई हमें सैकड़ा में, तो हमें 60 पतंगे दे दो। 15 अगस्त पे गाइज क्या सीन रहता है, बंदे भाई ज़्यादा महंगी पतंग उड़ाएंगे हम, तो उड़ाते के साथ ही कट जाएगी। आपको तो पता ही है सीन कितना गंदा रहता, उड़ाई और पड़ोसी काट गया और कुछ कहते रहे, कुछ भी नहीं कह सकते हम सामने वाले से, ठीक है ना। तो यहाँ 30 पतंगे मैंने अपने लिए ले ली थी और 30 भाई जो आए थे उन्होंने अपने लिए पैक करवाई थी अलग अलग। देखिए 30 इधर पैक हो रही हैं और 30 इधर पैक हो रही हैं। ये रिमांगदार में पतंगे और तावे भी रखे हैं इन पर। तो देखिए गाइस पीछे की साइड कितनी बंदे आ चुके हैं पतंगे खरीदने। और यहाँ हमने पैक करा ली हैं अपनी पतंगे, ठीक है। और इधर की साइड देखिए पतंगे लगी भी हैं गाइस, बिल्कुल दोपहर ही में भाई समझ लो बेहिसाब पतंगे मिल रही थी, बेहिसाब। तो यहाँ हमने बच्चों के लिए सद्दी का गिट्टा भी भरवा लिया था हमने, क्योंकि बच्चों के लिए भी गाइस मैंने कहा चल भरवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना बच्चे भी कर लेंगे पतंगबाजी थोड़ी बहुत। तो यहाँ जो है ना सद्दी का गिट्टा भर रहा और बगल में गाइस मांझा दिखा रहे थे भाई किसी को, तो अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा वो मांझा, ठीक है ना। तो इस सद्दी को गिट्टे को पकड़ा गया मैंने हाथ में देखा गाइस अपना चेक करने के लिए अपना भाई, मैंने कहा चल भरवा ही देते हैं अपना, ठीक है। तो अंकल जी भर रहे हैं और ये देखो दुकान के मालिक ये हैं जिन्होंने टोपी पहन रखी थी भाई ने, और जल्दी जल्दी भर रहे हैं चाचा सद्दी का गिट्टा। इतनी जल्दी तो हम भी नहीं भरते, हमने पतंगों के पैसे कटवा दिए इधर हमारे भाई ने। मैंने कहा चाचा जल्दी जल्दी भर दो इस गिट्टे को, ये रहा इनका था गाइस सद्दी का गिट्टा और चरगी। बच्चे ही थे ज़्यादा बड़े नहीं थे, ये रहे चलेगा ये। और ये भाई देखो मंजे की चरगी दिखा रहे हैं ये 3 रील की। गाइस मैं आपको बताता हूँ कितने रुपए मांग रहे थे 3 रील के, बताऊँ मैं आपको। ये मैंने इससे पूछा ना बंदे से, भाई इनने बताया मुझे 700 रुपये। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बता 700 रुपये गाइस, 700-800 रुपये की जो है ना 6 रील की चरगी आई थी। ये 3 रील के पता कितने पैसे मांग रहे थे 700 रुपये। और मैंने डोर भी हाथ में लेके दी देखी तो ज़्यादा खास नहीं थी गाइस। मैंने कहा चल भाई यहाँ से चल, ये तो बहुत लूट मार लगा रहे। हमने पतंगे ले लिए, अभी थोड़े बहुत पतंगे लिए तो और ले लेंगे, ठीक है। तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा। क्या रेट की है ये? ये क्या रेट की है? 100 के 6। भाई 100 के 6। भेलपुड़ी ये तो बात है, अच्छी पकड़ लेंगे इधर से हम। भैया मैंने इस दुकान पे जो है ना चश्मा पूछा था बंदे से, तो भाई बड़ा महंगा चश्मा बता रहा था 250 रुपये का। मैंने कहा निकल लो यहाँ से पतली गली से। और देखो पतंगे ऐसे ले आ रहे हैं बंदे, भाई हमें ऐसे घूर रहे थे यार, क्या घूमे कैसे घूर रहे थे। और यहाँ देखो भाई पतंगे देखो ऐसा आए हुए जैसे फ्री में बट रही हों पतंगे पतंगे लेने बंदे। भाई क्रेज है अपने इंडिया का, अपने भारत मान का, अपने भारत का पतंगे ऐसा आए हुए बंदे जैसे फ्री में बट रही हो लेने यार बता। मैंने कहा यार भीड़ बहुत थी भाई आज, बहुत भीड़। तो गाइज हम अंदर की साइड घुस चुके हैं पतंगे लेने, इस दुकान के अंदर हम घुस चुके हैं।
तो अब इस दुकान में हम घुसे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ आई थी हमें मंजोली पसंद ब्लैक वाली, तो वो पतंग मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी वाली पतंग आपको दिखाऊंगा। ये भाई देखो इनकी पतंगे पैक कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जल्दी से पैक कर इनकी बंदों की पतंगे, फिर भाई हमें देना पतंगे। और भाई बाहर देखो गाइस गाड़ियाँ चल रही हैं, और इधर की साइड गाइस अंदर पतंगे चल रही हैं। तो भाई जल्दी जल्दी बताइए 15 अगस्त पे कौन कितने बजे उठेगा मुझे कमेंट में, ठीक है। तो भाई दोबारा भाई तो खुशी के मारे सोता ही नहीं है 15 अगस्त पे। कौन कौन नहीं सोता 15 अगस्त पे मुझे एक बार कमेंट में बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा हमारे व्यूवर्स में से कौन कौन नहीं सोता खुशी के मारे। बहुत से सो जाते हैं भाई, थकन हो जाती है बंदों को। तो गाइस हमने ये वाली पतंगे 30 ये वाली निकलवाई थी हमने। तो हम गाइस अलग अलग डिज़ाइन की पतंगे ले रहे थे। काली पतंग थी अच्छी लग रही थी, मंजोली थी यार ये। हमने क्या क्या करें यार, ज़्यादा महंगी लेके, महंगी भी लेंगे आगे चल के लेंगे भाई, महंगी भी लेंगे। हर तरह की पतंगे लिए हमने, ठीक है। मंजा तो हम पहले लेके ही आ गए थे हम, तो इनमें से हमने 30 पतंगे निकलवाई थी। ये पड़ी थी हमें कितने की पड़ी थी, कितने की पड़ी थी, ये पड़ी थी हमें 6 रुपये की। भाई से पूछ रहे थे डिजाइन को ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, तो हमने कहा भाई हमें प्लेन दे दे। भाई ने प्लेन निकलवाई थी, हमारे कैब वाले भाई ने प्लेन निकलवा ली थी, और फिर हमने लेकर चल दिए थे। तो हम आ गए दूसरी दुकान के पास। तो अब इस दुकान से लेंगे हम अद्धी पतंगे, ठीक है गाइस। इस दुकान के अंदर हम चलते हैं। अब आ गए हम दोबारा से तीसरी दुकान के पास, तीसरी चौथी दुकान होगी, मुझे ध्यान नहीं है गाइस कौन सी है। तो इधर ये मंजा दिखा रहा, तो मैंने कहा चल भाई दिखाता रहे अपना मंजा। हमने कहा हम पतंग गाइस देखो ये वाली ले रहे थे हम, ठीक है ना। इनके भी वीडियो आएगी आपको काइड स्टेस की। पतंग काफ़ी अच्छी अच्छी लग रही थी भाई, 6.5 रुपये की पतंग थी ये वाली जो हमें दी थी, और वो मंजोली 6 रुपये की, देख रहे हो 50 पैसा का अंतर है, बिल्कुल 50 पैसे। मैंने कहा भाई मैं तो ये वाली लूँगा भाई, मैंने तो उठा ली थी गाइस ये वाली 50 पतंगे। तो पहले हमारे उस्ताद निकलवाते हैं फहीम भाई, उनकी निकलवा देती हमने पतंगे। मैं एक से एक डिज़ाइन निकलवाऊँगा गाइस, देखिए एक तो ये निकलवा रहा हूँ मैं, और एक दूसरा निकलवाऊँगा। मैंने कहा इसे इसमें ही डाल भाई, इसी में ही रख। और ये देखिए गाइस तुम्हारा भाई एक एक डिज़ाइन निकलवाएगा लड़ाने लायक। भाई 6.5 रुपये में बुरी एक है ये पतंग, ये मैं 15 अगस्त पर थोड़ी लड़ाऊँगा मैं, ये तो मैंने गेम में लड़ाने के लिए ले ली है, अपना विंटर में लड़ाऊँगा मैं बढ़िया करके 15 अगस्त पे। गाइस इतनी क्या कहूँ मैं तुम्हें, यही पतंग में लाता हूँ ना तो 10 रुपये की मिलती है। ये भाई जानकार थे, देखो मैंने बेकार पतंग तो मैं हटवा ही रहा था बिल्कुल। मैंने कहा भाई बेकार हटा दे भाई, मैं लड़ाने वाला बंदा हूँ, आड़ा टेढ़ा बंदा मत समझियो मुझे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ भाई बढ़िया बढ़िया पतंगे निकलवाई भाई से गाइस 6.5 रुपये की। आप बताइए क्वान्टिटी में बुरी यही गई है ये बताओ, एक नंबर पतंग है गाइस, पैसा वसूल पतंग जिसे कहते हैं। मैं तो भाई अपने हाथ से निकलवा रहा था कि ये निकाल ये निकाल ये निकाल, तो मैं नीचे की साइड जाता हूँ, मुझे ये वाली चांद तारा गोला पतंग पसंद आ जाती है। मैंने कहा भाई ये भी निकाल, पुरानी पतंग थी ये अद्धी में, भाई ने ये भी निकाल के दी दोनों चौके, छुपा रखी थी भाई। हमारी निगाहें इतनी तेज है, हमने भाई सब देख ली, निगाहें इतनी खतरनाक है हमारी। तो यहाँ अभी एक आध दो डिज़ाइन और निकलवाएंगे। मैंने कहा भाई अभी नहीं हुई होगी ये पतंग है यार, क्यों गिरने हो। मैंने कहा भाई एक डिज़ाइन और दिखाओ मुझे, मैं गया भाई दोबारा से। ये भाई मैं अपने हाथ से निकाल रहा था, बहुत से गाइस होते हैं करखंदार निकालने नहीं देते, ये भाई हमारे जानने वाले थे थोड़े। तो मैंने अंदर जाके जो है ना थोड़ी बदमाशी दिखा दी, तो मैंने भाई मजाक कर रहा हूँ यार, मैं दवासी कौन दिखा रहा आज के टाइम पर। तो मैंने कहा इसका पत्ता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना पतंग का। तो मैंने कहा भाई इसे भी डाल दो, पतंग अच्छी लग रही है ये गिलासल में डंडे में, ठीक है ना। और ये वाली पतंग मैंने डलवा ली अपना। तो भाई करने दे यार इसे बंदे को पैक, तो चल भाई कर दी गाइस जिन बंदे ने दो। अब दोबारा से रिपीट में गिनने हैं भाई। मैंने कहा भाई हो गई होंगी 50 पतंग, और 50 पतंग भाई हमने इधर डाल दी थी अपनी गिनवा के, और ये देखो हो गई अपनी 50 पतंगे, ठीक है। तो बारी की साइड निकलते हैं हम जल्दी से, क्योंकि रात भी होने वाली थी, हमें पतंगबाजी भी करनी थी गाइस, मगर हमें पतंगबाजी नहीं मिली करने के लिए। और ये देखो मंजोली पतंग चील काट काफ़ी अच्छी लग रही है ये वाली पतंग हमें। तो मैंने कहा भाई ये भी ले लूँ, फहीम भाई ने हमारे मना कर दिया, भाई क्या करेगा भाई इतनी पतंग देखो, हमने वापसी रख दी। मैंने कहा फहीम भाई देखो एक पतंग लेकर आ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तिरंगा ये तो ले ही लो। मगर फहीम भाई ने कहा हम लूट लेंगे छत पे से, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, लूट लेना। और फिर भाई मैंने कहा फहीम भाई ये वाली तो ले ही लो, अच्छी लग रही है चील घाट मंजोली 6 रुपये की। और भाई देखो भाई
स्टेशन।